फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन और आप या तो नो कांटेक्ट में हैं या वेरी लो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। अब लो कांटेक्ट, कम कांटेक्ट जब होता है तो कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता। इस वक्त शायद आप तड़प रहे होंगे, तरस रहे होंगे उनसे बात करने के लिए, उनके दिल का हाल जानने के लिए, लेकिन आपको पता कैसे चले, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन टैरो एंजल्स ऐसी चीज़ हैं जो छापा ऐसा मारते हैं ना आपके पर्सन के दिल और दिमाग पे कि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन लाकर दे सकते हैं। ऐसे होते हैं हमारे टैरो एंजल्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि वो आपके लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं मिलने के लिए, बातें करने के लिए, आपसे एकदम से, मतलब इस तरह से आपके साथ जुड़ जाने के लिए कि फिर कभी आप लोग अलग ना हो, ये जानने के लिए आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दो पाइल्स बनेंगी फ्रेंड्स। पाइल वन पे है ये गोल्डन स्पून, पाइल टू पे है ये गोल्डन बैंगल। पाइल वन गोल्डन स्पून, पाइल टू इज गोल्डन बैंगल। जिस भी पाइल से आपको इजीली एकदम से, कई बार मेरे व्यूअर्स बोलते हैं चूज नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, चूज नहीं कर पाते तो भी कोशिश तो कर सकते हैं ना, इसे डरने की क्या बात है। कोई भी एक चूज कर लो, और अगर आपको रीडिंग के बाद लगे ये आपसे रिजोनेट नहीं हुआ तो आप दूसरी पाइल भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो अपनी पाइल सिलेक्ट कर ले, और किसी भी वजह से पाइल नहीं सिलेक्ट होती तो दोनों रीडिंग्स देख ले, फिर भी कोशिश करें कि आप अपनी एक पाइल कैसे भी सिलेक्ट कर ले। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, इसलिए हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं पाइल वन गोल्डन स्पून के साथ। आपके पर्सन क्या आपके बिना तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, क्या मर रहे हैं वो आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, हालात को बिल्कुल पहले के जैसे करने के लिए, या फिर उनको कोई परवाह है ही नहीं। फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन का इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी ये रीडिंग आपसे 80-85% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी। फ्रेंड्स, इस वक्त आपके पर्सन आपको ऐसा लगता है कि बहुत हैप्पी सिचुएशन में है। हो सकता है उनकी किसी पोस्ट को देखकर, हो सकता है किसी फ्रेंड के ज़रिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको ये लगता है कि वो बहुत ही एक हैप्पी सिचुएशन में है, बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन में है, लेकिन फैक्ट इज़ दे आर नॉट। बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, बैलेंसिंग चल रहा है उनका। मुझे लगता है आजकल जो ये एनवायरनमेंट है, सोशल और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है हर इकोनॉमी का, हर देश का, उसमें खासतौर पर हमारे जैसे जो काफ़ी पुअर कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें जो इकोनॉमी की हालत है, ऑलमोस्ट हर इंसान किसी ना किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ ही रहा है ज़्यादातर। तो आपके पर्सन भी इस वक्त किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ज़बरदस्त जूझ रहे हैं। बहुत ही एक टाइम था जब उनकी सिचुएशन काफ़ी हैप्पी थी, जो आपको लगता है कि आज भी है, अब नहीं है। एक साइकिल जो हैप्पीनेस की थी वो ख़त्म हो चुकी है, और उनका बहुत ज़्यादा इस वक्त एक स्ट्रगल का फेस चल रहा है। कांस्टेंट उनकी लड़ाइयाँ भी होती है अपने फैमिली मेंबर्स से, या कुछ ऐसे लोगों से जिनसे उनका फाइनेंशियल कुछ लेन देन है, जो पैसे की जिद कर रहे हैं, उनको लौटाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, या ये उनसे मांग रहे हैं, कुछ भी फाइनेंशियल बहुत डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनकी लाइफ में। आपको जो लगता था कि वो हैप्पी हैं, नहीं हैं, थे एक टाइम पर, लेकिन वो साइकिल का एंड हो चुका है। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से।
उनके लिए इस वक्त अपने खास तौर पे किसी एल्डरली फीमेल घर की जो है उनसे भी बहुत ज़्यादा खटपट चल रही है। हो सकता है आपके साथ जो आपका उनके साथ जो रिलेशन है उस बात को लेकर किसी वजह से उनका एक प्रॉब्लम चल रहा है अपनी फैमिली की किसी एल्डरली फीमेल के साथ। मुझे बहुत हद तक ये आपके साथ ही जो आपका आपके साथ इनका रिलेशन है उसी बात को लेकर और ऊपर से फाइनेंशियल इश्यूज, ये दोनों चीज़ें मिलकर उनके घर के जो हालात है उसको बहुत ज़्यादा एक डायनेमिक सिचुएशन में लाकर रखा हुआ है। घर के हालात ठीक नहीं है। एक तो घर में एक उनकी मदर से या कोई एल्डरली फीमेल है उनसे आपको लेकर खटपट चल रही है और ऊपर से फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। उनकी जो लाइफ का एक हैप्पीनेस का टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी स्ट्रगल चल रही है उनकी लाइफ में। इससे उनका सेकेंड चक्र भी अफेक्ट हुआ है, वीक हुआ है। वो चाहते हैं कि वो जो कुछ भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हालातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए उनको एप्रिसिएशन मिले, लेकिन घर में कोई भी इस तरह के एक माइंडसेट में ही नहीं है कि एक दूसरे को कोई अप्रिशिएट करे। इस वक्त उनके घर में हर कोई ब्लेम गेम में लगा है, हर कोई एक दूसरे पे कोई ना कोई ब्लेम कर रहा है, गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, कुछ इस तरह का उनके घर का एनवायरनमेंट मुझे इस वक्त फील हो रहा है। एक उनके घर का जो सुकून था, खुशियाँ थी, वो साइकिल का इस वक्त एंड हो चुका है और अजीब सा घर का एनवायरनमेंट है। खुद एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं और इस फीमेल से भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनसे खफा है आपको लेकर। तो मैं डेफिनेटली कहूँगी अगर कोई आपको लेकर खफा है तो उनके दिमाग में आप तो चल ही रहे हैं। उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अलावा आप भी उनके दिमाग को एक तरह से घेर के बैठे हुए हैं। तो इस वक्त मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपसे मिलने के लिए वो तड़प रहे हैं या तरस रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको लेकर उनके घर में कुछ इश्यूज ज़रूर हैं और ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि वो क्या सिचुएशन और सिचुएशन देखते हुए क्या डिसीशन लेंगे आगे जाके, क्योंकि फ़िलहाल उनके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी संभालना बहुत ज़रूरी है। तो उनका माइंड आप में और ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम में दोनों में बटा हुआ है। तो इस वक्त उनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आपके लिए तड़पेंगे या तरसेंगे, पर डेफिनेटली आप उनके माइंड के एक स्पेस को कवर करके तो बैठे हैं, क्योंकि आपको लेकर भी उनके घर में इश्यूज चल रहे हैं। उनके सेकंड चक्र पे भी इस बात का असर हुआ है। वो चाहते हैं हर कोई उनको अप्रिशिएट करे कि वो कितना कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स को भी मैनेज कर रहे हैं, आपको लेकर भी जो खटपट चल रही है घर में उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए उनको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। अब हो सकता है ये उनके कर्मों की सज़ा है उनके लिए जो उन्होंने आपके साथ अगर कुछ गलत किया है, तो मुझे इस तरह से तो कुछ दिख नहीं रहा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। हाँ ये ज़रूर है कि आपसे उन्होंने वक्त मांगा होगा, आपसे टाइम मांगा होगा कि वो कुछ भी करके अपनी फैमिली को कन्विंस करेंगे। तो इस तरह से आपका इस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया होगा। तो जो वो स्टेप नहीं ले पा रहे थे उसका असर अब उनकी सेहत पे भी हो रहा है, उनके फाइनेंसेस पे भी हो रहा है। तो इस तरह से कोई मिली जुली प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल और एक आपको लेकर घर में जो उनकी एल्डरली फीमेल जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो एक तरह से आप उनके माइंड पे तो हैं, लेकिन इस वक्त उनको तड़पने या तरसने की सिचुएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ भी वो जूझ रहे हैं। तो आपको मैं यही कह सकती हूँ कि आप उनके लिए दुआ करें कि वो इन प्रॉब्लम में से बाहर आए और जल्दी ही आपको लेकर जो डिसीजन लेना है वो ले ले, सही तरीके से ले ले। नहीं लेंगे तो भी उनको अपनी कर्मों की सज़ा तो मिल ही रही है, लेकिन अगर ये सच में लेना चाहते तो जल्दी ही इस साइकिल से वो बाहर आ जाएंगे और कोई सही डिसीजन आपको लेकर लेंगे। तो पाइल वन आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। तो फ्रेंड्स नाउ इट्स टर्न ऑफ पाइल टू, गोल्डन बैंगल जिन्होंने सिलेक्ट किया है। आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं या अपनी लाइफ के रूटीन में बिजी हो गए हैं? या तो आपका नो कांटेक्ट है या लो कांटेक्ट है, बहुत कम कांटेक्ट है। और कम कांटेक्ट में वैसे भी कम्युनिकेशन सही नहीं होता, ठीक से नहीं होता और हम उनके दिल का हाल नहीं समझ पाते।
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वॉटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन है। फायर साइन का इन्फ्लुएंस इस रीडिंग में नहीं है, लेकिन ये रीडिंग आपको फिर भी 85% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी। आपके पर्सन का तो ज़बरदस्त बुरा हाल है, वो आपके लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं और मर रहे हैं। उनके माइंड में बस एक ही चीज़ चल रही है और वो है आप, और कोई बात उनके माइंड में इस वक्त नहीं है। वो आपको कहते नहीं है तो उनकी वो ईगो है, जरा ट्रेडिशनल माइंडेड पर्सन है, थोड़ा ऐसा मानते हैं कि मैं क्यों सामने से जाऊं, मुझे क्या ज़रूरत है सामने से जाने की, गलती इनकी थी तो इनको ही आना चाहिए। तड़प तो रहे हैं, तरस तो रहे, अपने आप को पूरी तरह से अपनी वीकनेसेस को काबू में करके बैठे हैं, क्योंकि उनका मन बार बार मोबाइल को लेकर आपका नंबर डायल करने का मन करता है, लेकिन फिर उनका ईगो या उनका जो एक माइंड सेट है जिसमें वो बड़े हुए हैं कि जो गलती नहीं, उनको लगता है उन्होंने गलती नहीं की तो मैं क्यों जाऊं सामने से, इस तरह की जो उनकी फीलिंग्स है वो चाह के भी आपको कह नहीं पा रहे। उनका फिफ्थ चक्र बहुत असर आया हुआ है इस सिचुएशन की वजह से। उनको ये लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें, ये कॉन्ट्रैक्ट में, ये रिलेशनशिप के कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने हर जिम्मेदारी को निभाया। ये मानते हैं, मैं कभी नहीं ये कहते कि वो आप ऐसे हैं, ये मानते हैं, उसका हम क्या करें। उनको ये लगता है अपनी सिचुएशन में कि उन्होंने हर चीज़ को जिम्मेदारी से निभाया है, अब आपका टर्न है कि आप उनको कॉन्टैक्ट करें। लेकिन डेफिनेटली वो आपके लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उनको आपका, आपके साथ बिताया हुआ हर पास्ट का टाइम, जो पास्ट में आप दोनों ने साथ में जो भी कुछ किया था, एंजॉय किया था, झगड़ा किया था, जो कुछ भी एक दूसरे के साथ किया था, वो हर चीज़ को वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, वो सोच सोच के एकदम नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। आप दोनों में सेपरेशन तो आ गया पर वो इस बात से बहुत ही दुखी हैं। किस तरह से आप दोनों टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, वो चीज़ को याद कर करके वो रातों को सो नहीं पाते, रेस्टलेस हो चुके हैं। उनको लगता है उनके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है। ये तो अब आप दोनों को मिल बैठ के डिसाइड करना है किसने क्या गलती की है और उसको कैसे सॉल्व करना है। मैं उनकी फीलिंग्स की बात कर रही हूँ उस वक्त, लेकिन वो आपके बिना टूट चुके हैं। ये टावर कार्ड आप देख रहे हैं, क्या उनका हाल हो चुका है। उनको लगता है रेस्टलेसनेस, उनको लगता है डिसेप्शन, उनको लगता है पेन, उनको लगता है आपको ही आना चाहिए उनको मनाने के लिए। वो इस जिद में आ चुके हैं कि वो आपको बुलाए बिना, चाहे उनका जो भी अंजाम हो, जो भी हशर हो, उसको भुगतने के लिए वो तैयार है। अपने दिल पे काबू करके बैठे हैं, उनका बार बार दिल करता है, हो सकता है आपको स्टॉकिंग तो करते होंगे, लेकिन जैसे जिद्दी ये दिखते हैं, मुझे लगता है आपको स्टॉक भी नहीं करते जिद में आके। सही बात तो ये है, इतने जिद्दी इंसान है इनके कार्ड से मुझे दिख रहा है कि ये कुछ भी हो जाए, इनको फील होता है जब आप दोनों के बीच में सुलह थी, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है रिलेशनशिप का, जब ये ओपन था, तो आप और वो कितना जेनरसली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, कितना मज़ा करते थे, चलो झगड़ते भी थे, उसमें भी प्यार था। पर अचानक जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आ गया, आपके पर्सन फील करते हैं उसके लिए आपको सॉरी करनी चाहिए, हो सकता है आप फील करते हैं उनको सॉरी करनी चाहिए। तो अगर दोनों ही तरफ से इस तरह की फीलिंग है तो अभी टाइम, कुछ टाइम के लिए नो कांटेक्ट में रहिए, लो कांटेक्ट भी नहीं, नो कांटेक्ट में चाहिए आप दोनों। वो तो खैर मुझे अपनी तरफ से लग ही रहे हैं नो कांटेक्ट में, आप भी टोटली उनसे बात करना बंद कर दें। जो भी आप दोनों के लिए सही है वो सिचुएशन अपने आप ही आ जाएगी, अगर आप उसको इंटेंसली मैनिफेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो सिचुएशन आ जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप दोनों को किसी ऐसी जगह पे मिल जाएंगे, अगर वो नहीं बुला रहे, आप भी नहीं बुला रहे, तो कुदरत आपको किसी ऐसी जगह पे मिला देगी जहाँ आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि आप दोनों में बात करने का एक मौका ज़रूर आएगा, तब आप अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको दूर कर लेना। लेकिन अभी वो आपसे कह नहीं पा रहे, वो फील करते हैं आपको करना चाहिए, जो भी करना है स्टेप आपको लेना चाहिए, वो मरने को तैयार हैं इस तरह की जिद में, लेकिन आपको इस वक्त बुलाने को तैयार नहीं है। मैं इस वक्त की बात कर रही हूँ,
अपने आप को बहुत कंट्रोल करके बैठे हैं, लेकिन आपको बुलाने की बिल्कुल वो कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि एक ज़िद उनको आई हुई है और शायद आपकी तरफ से भी ऐसी ही ज़िद है। तो वक्त पे छोड़ दें, हालात पे छोड़ दें, लेकिन वो डेफिनेटली आपके लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं और तरस रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों पाइल्स का रीडिंग कंप्लीट हुआ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए आपने कौन सी पाइल सिलेक्ट की थी और कौन सा क्या क्या बहुत ज़्यादा रिजोनेट हुआ। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपकी दोस्त आरजे मधुरा।